मेरा नाम है अजय, आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जानेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अपन? हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में क्या बोल रहा है? आपका अर्धस्वर है। निम्नलिखित में आपका अर्धस्वर क्या है? आपका य व ह। कौन सा आपका अर्धस्वर? य व ह है। हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? राजा ज्ञा। राजा ज्ञा का क्या संधि विच्छेद चुनिए। तो राजा ज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? राजन प्लस आज्ञा। राजन प्लस आज्ञा किसका संधि विच्छेद है? राजा ज्ञा का। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? स्नेहमग्न। क्या बात करें आपका? स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो स्नेहमग्न किस तत्पुरुष का उदाहरण है आपका? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है स्नेहमग्न। पलक किस भाषा का शब्द है? पलक किस भाषा का शब्द है आपका? पलक है आपका फारसी भाषा शब्द का है। पलक किसका है? फारसी भाषा शब्द है। हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बात कर रहा है आपका? गांठ में बांधना। क्या बात कर रहा है आपका? गांठ में बांधना मुहारे का अर्थ क्या है आपका? गांठ में बांधना मुहारे का अर्थ है आपका, उत्तर इसका क्या है? बी, खूब याद रखना। हम बात करते हैं आपका छठवा प्रश्न। छठवा प्रश्न क्या है आपका? श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि दिख रहा है आपको? हलंत संबंधी। किस प्रकार की है आपका? हलंत संबंधी। ना के नीचे क्या लगता है आपका? हलंत लगता है। इसमें क्या अशुद्धि दिख रहा है आपका? हलंत संबंधी। सातवां क्या बात कर रहा है आपका? धर्म 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 में कौन सा समास है आपका? तो धर्म धर्म का आपका कौन सा समास है आपका? वैकल्पिक द्वंद्व समास है आपका। कौन सा द्वंद्व समास है आपका? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। हम देखते हैं आपका आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है आपका? वह गया। क्या बोल रहा है? वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? तो वह गया निश्चित नहीं हो रहा तो क्या होगा? संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल का है। क्या है इसका आपका? संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है यह। इसका उत्तर क्या होगा आपका? सी, संभाव्य वर्तमान काल। हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? नौवा, स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में बस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या नहीं है? जिसके उच्चारण में क्या है आपका? हवा आवाज गति से मुख विवर के निकल जाती है। क्या होती है? मुख विवर क्या हो जाती है आपका? निकल जाती है। हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? वचन के अधीन। क्या बात कर रहा है? वचन के अधीन संज्ञा के रूप में कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? क्या बात कर रहे हैं? वचन के अधीन संज्ञा क्या है? कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? तो संज्ञा कितनी तरह से परिवर्तित होता है आपका? तरह इसका दो तरह से संज्ञा क्या होते हैं आपके? परिवर्तित होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न क्या है आपका? सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आपका? सार्थक शब्द कब कहे जाएंगे? उसका निश्चित अर्थ हो। सार्थक शब्द कब कहे जाएंगे? जब उसका निश्चित अर्थ हो। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न क्या आपका? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है आपका? हिंदी। क्या लिखी जाती है आपका? हिंदी। नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन क्या है आपका? नासिक व्यंजन है आपका वर्ण का पंचम वर्ण। कौन सा है आपका? वर्ण का पंचम वर्ण क्या है? नासिक व्यंजन है। हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? अर्थ के विचार। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा आपके पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? पांच प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक यानी किसी भी काम को अपन क्या है? निश्चय कर लेते हैं। तो बाकी क्या है इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आपका? यह काम मुझे करना है। तो निश्चय इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम देखते हैं आप अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है आपका? आलसी। क्या है आपका? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्रिया धातु का मूल रूप कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्रिया धातु का मूल रूप कहलाता है आपका। क्रिया धातु का मूल रूप क्या कहलाता है आपका? धातु कहलाता है। सॉरी, इसमें मैं आंसर ही को बोल दिया था। क्रिया का मूल रूप क्या है आपका? क्रिया का मूल रूप कहलाता है आपका धातु कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? धातु कहलाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका?
अगला प्रश्न है आपका, आंख सीखना का अर्थ क्या है? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंख सीखना का अर्थ क्या है? तो आंख सीखना का अर्थ है आपका दर्शन सुख लूटना। आंख सीखना का अर्थ क्या है आपका? दर्शन सुख लूटना है। अगला प्रश्न क्या है, योग ऋण शब्द कौन सा है आपका? योग ऋण शब्द कौन सा है आपका? योग ऋण शब्द है आपका लंबोदर। कौन है आपका? योग ऋण शब्द लंबोदर है। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? डिंग हाँकना। क्या है इसका उत्तर? गाल बजाना का सही अर्थ क्या है आपका? डिंग हाँकना। आंख लगना का मुहारे का अर्थ क्या है? आंख लगना का मुहारे का अर्थ है आपका नींद आना। आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।